9 महीने से चल रही रूस यूक्रेन जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। रूस ने 15 नवंबर को यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनमें से 2 मिसाइलें पोलैंड के गांव प्रेविडोव में गिरने की खबर है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने नाटो देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, पर सवाल ये है कि पोलैंड पर मिसाइल गिरना दुनिया के लिए क्यों खतरनाक है और आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। पोलैंड पिक्चर में क्यों है, पहले वो जान लीजिए। दरअसल अब तक यूक्रेन पोलैंड और रूस के बीच एक बफर जोन जैसा था, लेकिन जंग के बाद पोलैंड अब वॉर फ्रंट बन गया है। यही वजह है कि पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद दुनिया की नजर नाटो देशों की बैठक पर है। इस घटना के बाद दुनिया के 2 ताकतवर देशों अमेरिका और रूस के बीच जंग की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर होना तय है। अब ये जान लीजिए कि किस तरह से पोलैंड और रूस के बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही है। पहली वजह है पोलैंड की सीमा से लगते देश बेलारूस के साथ रूस ने सैन्य समझौता किया है। इसके तहत बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती हुई है। दूसरी, पोलैंड की 600 किलोमीटर से ज्यादा सीमा 2 देशों यूक्रेन और बेलारूस से मिलती है। रूस ने बेलारूस में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, जो पोलैंड के बड़े हिस्से को कवर करता है। तीसरी, पोलैंड के रास्ते भारी मात्रा में हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ऐसे में रूस किसी तरह से पोलैंड पर हमला करने की कोशिश करता है तो नाटो से जुड़े 30 देश खुद पर हमला मानकर जंग में कूद पड़ेंगे। तो सवाल है कि क्या अमेरिका अब सीधे जंग में रूस के खिलाफ उतरेगा, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, नाटो देशों की बैठक में लिए जाने वाले फैसले के आधार पर ये पता चलेगा। दूसरा, पोलैंड ने जांच के आदेश दिए हैं रिपोर्ट आने के बाद पोलैंड सरकार के लिए गए फैसले से आगे जंग की दिशा और दशा तय होगी। तीसरा, यूक्रेन जंग के दौरान रूस आगे पोलैंड को लेकर क्या एक्शन लेगा, काफी हद तक सारी चीजें उसी पर निर्भर करने वाली हैं। वहीं समझने वाली बात यह है कि 1939 में हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इसके 16 दिन बाद सोवियत सेना ने भी पोलैंड के दूसरे हिस्से पर हमला कर दिया। देखते ही देखते ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की नाजी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हर बार रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग का मैदान पोलैंड ही रहा है। जियोपॉलिटिकल वजहों की वजह से ये देश बेहद अहम है, इसलिए अब सबकी नजर नाटो देशों की बैठक पर है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।